हेलो फ्रेंड्स, आप सबको स्वागत है मेरे और एक फ्रेश एंड जबरदस्त वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज हम दिखाने वाले हैं कि लाकी बेम्बो के किस तरह से आप ग्रो कर सकते हैं, जो हमारा जो नया स्टिक बच जाता है उसको हम किस तरह से ग्रो कर सकते हैं और नया क्या मेथड हो सकता है। तो आज हम ग्रो करेंगे बोतल के अंदर, जो वाटर बोतल है वेस्ट किया हुआ, हम जब पानी पी लेते उसको फेंक देते हैं, तो हम उसको अभी काम में लगाएंगे। तो चलिए उसको अंदर हम कोकोपीट भर लेते हैं और कोकोपीट के अंदर हम ग्रो करेंगे और देखेंगे कितने दिन में ग्रो होता है और कितना फास्ट ग्रो होता है और वो ग्रो भी होता है कि नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम उसको सुपर फास्ट मोड में देख लेते हैं किस तरह से कोकोपीट को हम डाल रहे हैं। तो आप चाहे तो उल्टा करके काट के भी आप उस डिजाइन को बना सकते हो। तो चलिए पूरा करते हैं और दिखाते हैं आपको। इसको पूरा करने के लिए आपको करीब करीब 30 मिनट के आसपास लग जाएगा। तो आगे देखते हैं। तो ये देख सकते हैं, हमारा ऑलमोस्ट बोतल भर चुका है जिसके अंदर हम ग्रो करेंगे लकी बेम्बो को। एक शार्प नाइफ जो आप इजीली उसको काट सकें। और फ्रेंड्स, आपको इस तरह से मोटा करके काटना है, क्योंकि स्टिक अगर मोटा होंगे तो फ्रेंड्स आप उसको इजीली अंदर डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, नीचे से काट करके जा रहे हैं ताकि ऊपर तक हमको मालूम चले कि कितना होगा कि नहीं। तो धीरे धीरे से आपको काट करना है। आप इस तरह से उसको काट करें कि अगर आप आगे पीछे चाहो तो जब स्टिक लगा रहे हो तो आप थोड़ा सा और भी ज़्यादा काट सको, क्योंकि फ्रेंड्स स्टिक का साइज़ सेम नहीं रहता। तो फ्रेंड्स, और बीच में से प्लेस ऐसा होना चाहिए कि बीतल पूरा काट ना जाए। तो फ्रेंड्स, हम ऊपर से कट कर रहे हैं, तो ऊपर से कट करने का क्या फ़ायदा रहता है कि फ्रेंड्स हम ऊपर से नीचे तक लगाते हुए जाएंगे। अगर नीचे से लगाते हुए जाएंगे तो हमको दिक्कत होगा। तो इसलिए हमने क्या किया कि ऊपर से कट कर रहे हैं, ऊपर से भी लगाने वाले हैं। तो देख सकते हैं, हमारा ऑलमोस्ट सारे कट हो चुके हैं। और देखिए हम किस तरह से उसको लगा रहे हैं। और आपको जितना हो सके उसको अंदर डालना चाहिए, लेकिन इतना भी अंदर मत डालना है कि सिर्फ पत्ता ऊपर छूट जाए, तब फ्रेंड्स वो प्लांट्स ग्रो नहीं होगा। फ्रेंड्स, नॉर्मली लकी बेम्बो एक हार्डी प्लांट्स है, उसको उतना केयर की ज़रूरत नहीं होता। वो आप पानी में भी ग्रो हो जाता है, तो इसलिए उतना केयर की ज़रूरत नहीं पड़ता। तो लेकिन फिर भी आप फ्रेंड्स उसको इतना उसके अंदर धंसा दे कि वो रूट्स इजीली आ सके और रूट्स उसको पकड़ भी पाए। अगर फ्रेंड्स उतना अच्छी तरह से नहीं पकड़ेगा तो अच्छी तरह से ग्रो भी नहीं होगा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा इजी करने के लिए हमको उसको इस तरह से अंदर घुसाना है कि वो पूरा घुस जाए और रूट्स आने में उसको कोई भी दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स, हमारे पास काफ़ी स्टिक है, करीब 400-500 के आसपास। उसमें से हम जस्ट 30 से 40 स्टिक ही यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, आपको उस तरह से लगाना है कि वो बिल्कुल सीधा ना हो, एक के बीच में दो लगाया ऊपर और उसके बीच में नीचे एक और होना चाहिए। तो उसी हिसाब से अगर लगाएंगे तो बोतल देखने में काफ़ी खूबसूरत होगा। खूबसूरत करना है हमारा मेन गोल है, इसी वजह से हम इसको इस तरह से ग्रो कर रहे हैं। और यूनिक एक स्टाइल ढूंढ रहा था आप लोगों को दिखाने के लिए कि किस तरह से उसको ग्रो कर सके। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सिस्टम है। और फ्रेंड्स, आपको ईजिली ग्रो करना है ताकि फ्रेंड्स वो आपको ऐसा लगे कि स्टिक अंदर से जो स्किन है वो काट ना जाए। फ्रेंड्स, अगर वो काट जाएंगे तो स्किन ख़राब होगा, तो प्लांट्स भी ख़राब होंगे, तो दिखने में खूबसूरत नहीं होगा, आगे से और भी डालना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं हमारा डिज़ाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आगे देखिए हम उसको क्या करेंगे। अच्छे से उसको पानी डालेंगे, उसको पूरा नहला देंगे और फ्रेंड्स साइड से उसको अच्छे से इसी तरह से रखना है कि फ्रेंड्स जब वो अगले एक महीने के बाद पूरा ग्रो हो सके तब देखने में खूबसूरत हो और उसको हमको हटाना भी ना पड़े। तो फ्रेंड्स देखिए, हम ऊपर से मुंह खोल रहे हैं और उसको ऊपर से पानी डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, पानी डालने के बाद आप देखिए, पूरा पानी डालना है, नीचे से पानी निकल जाए। तो वो हो चुका है ऑलमोस्ट, हमारा 1 लीटर से ऊपर पानी डाल दिया है और ऊपर से हम उसको नहला दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए हम उसको एक जगह पर हैंग करके आपको पूरा दिखाते हैं कि वो दिखने में कितना खूबसूरत है। अभी देख सकते हैं, अभी हम उसको ऊपर हैंग कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, नीचे से पानी टपक रहा है और उसको अच्छी तरह से हमने लगा दिया है ताकि वो काफ़ी खूबसूरत दिखे। और फ्रेंड्स, नीचे की तरफ हमने लंबा वाला स्टिक यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है अभी। और फ्रेंड्स, वो
आपके वीडियो के अंदर जितना खूबसूरत दिख रहा है उससे ज़्यादा खूबसूरत हमको अपने आई पे दिख रहा है। तो फ्रेंड्स आप अपने घर पे ट्राई कीजिए और उसका अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स हम लोग लेके आते हैं आप लोगों के लिए इस तरह का फ्रेश और नया वीडियो। बाय फ्रेंड्स।